अब जो अपना है वो है क्या, दूसरा पॉइंट पर हम आए, इतना तो समझ गए। दूसरा पॉइंट आपका है इथिक्स, कल पढ़ लिए, इंटीग्रिटी अभी पढ़े, फिर अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए हिंदी जो इसका रूपांतरण है वो है अभिक्षमता। ठीक है, तो अभिक्षमता को समझा जाए, एप्टीट्यूड को समझा जाए, एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूंगा ताकि आपको एप्टीट्यूड सही से समझ में आ जाए। छोटा छोटा सा एक वाक्य मैं आपको बताऊं। एक टाइम था, एक काल था, इतिहास में आप पढ़ेंगे, ठीक है, मैं उधर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, वही मुद्दा उठाना चाहता हूं जिससे आपको एप्टीट्यूड समझ में आ जाए, है ना। मगध का जिस समय राजा, मगध का नाम सुने होंगे आपको, मगध साम्राज्य का जिस समय राजा धनानंद, है ना, आप सुने होंगे नाम, ये धनानंद हुआ करते थे। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर में एक बहुत महान प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला का प्रोफेसर हुआ करते थे, और उसी समय धनानंद जो है वो मगध का सम्राट हुआ करते थे। ये दोनों बड़े विभूति हैं, इसलिए इनके बारे में आप नाम सुने होंगे। और इसी बीच पाटलिपुत्रा के आसपास में एक अनाथ बच्चा भी रहता था, हालांकि उनके माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंदा, लेकिन जिस समय की ये प्रसंग है उन समय इनकी माता और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कहा जाता है कि इनको एक शिकारी के द्वारा खरीद लिया गया था, फिर ये शिकारी के घर में क्या करते थे, जानवरों को चराया करते थे। तो स्थिति ऐसा कुछ था कि चाहे कुछ भी हुआ हो, यहां पर एक बच्चा था जो बच्चा चरवाहा का काम किया, समझे, तो ये डेली जंगल में जानवर चराया करता था। इसी बीच ये तीनों प्रसंग आगे जुड़े, तब आपको एप्टीट्यूड सही से समझ में आएगा। समझ रहे हैं, ये जो तक्षशिला के जो प्रोफेसर है चाणक्य और ये जो मगध का राजा है धनानंद, इन दोनों में एक संयोग बनेगा। संयोग ये बनेगा कि राजा लोग जनरली चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें पहले समस्या पता होना चाहिए। और ये कोई विद्वान व्यक्ति ही क्या कर सकता है कि हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है उसका मूल कारण क्या है, उसका समाधान क्या होगा। इसलिए पहले के राजा लोग जो होते थे वो समस्याओं को ढूंढने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए अपने पास विद्वानों को रखा करते थे। तो इसी तर्ज पर जो धनानंद मगध के राजा थे वो तक्षशिला से चाणक्य को निमंत्रण देकर के मगध बुलाए, चाणक्य मगध आ गए। लेकिन एक्चुअली क्या, जरा से सुनिएगा, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज्यादा अगर सुने हैं तो स्थिति कुछ ऐसा होता है कि मन में एक इमेज बनने लगता है कि ऐसा होगा। और जब कोई व्यक्ति अचानक से आए सामने और उसकी अजीब सी वेशभूषा निकले तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हैं, होता है। तो चाणक्य क्या इतना नाम था कि चाणक्य के बारे में धनानंद के मन में इमेज एक बन चुका था कि जो धनानंद है चाणक्य होंगे वो कुछ इस तरीके का होंगे। लेकिन जब चाणक्य यहां पहुंचे तो इन्होंने देखा क्या कि एक धोती पहना हुआ व्यक्ति, ऊपर से नंगा बदन नहीं और पूरा सर मुंडन कराया हुआ, समझ रहे हैं, और यहां पे सिर्फ एक शिखा रखा हुआ, चूल शिखा रखा हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर आया मगध। तो धनानंद जो है वो काफी इनके वेशभूषा को लेकर के मजाक बना दिया करता था। तो यहां पर एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि जो एक विद्वान व्यक्ति होता है उसकी वेतन मुख्य रूप से सम्मान होता है। एक विद्वान व्यक्ति को पैसे देकर के आप अधिक काम नहीं करा सकते, आदर और रेस्पेक्ट से काफी करा सकते। एक विद्वान व्यक्ति थे, इनको जब ये अपमान किया करता था वेशभूषा को लेकर के तो ये अपमान का जहर कैसे पीते, नहीं, ये अंत में एक बार गुस्सा होकर के और धनानंद के सामने अपना जो इनका शिखा होता था उसको ये गेट बंद करके रखते थे। इन्होंने अपना गेट खोल दिया, अपना गांठ खोल दिया शिखा का और बोला कि हे धनानंद, आज मैं अपना शिखा खोलता हूं और ये शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश न कर दूं। और चाणक्य यहां से गुस्से में चल पड़े तक्षशिला की ओर। लेकिन रास्ते में ये चारवाहा से इनका दर्शन होता है, और दर्शन कुछ ऐसा होता है कि ये जो चारवाहा लड़का है ये अपने दोस्तों के साथ जानवर चराने के लिए आता था, जानवर चरते चरते जंगल में आगे निकल जाते थे और ये पेड़ के किनारे एक खेल खेलता था जिस खेल का नाम था राजकिलम। तो राजकिलम नाम का एक खेल खेला करता था।
राजकिलम खेल ये कुछ ऐसा खेल होता था कि जिसमें ये चारवाहा जो है वो राजा बन जाता था, यानी कि राजा के भूमिका में आकर के और पेड़ के टहनी पर उछल के बैठ जाता था सिंहासन बना के और कहता था मैं राजा हूं। कुछ बच्चों को मंत्री बना देता था, कुछ बच्चों को दुखी आत्मा बना देता था जिसका काम था अपना समस्या लेकर के आना और उसका समाधान करना। तो कुछ प्रसंग ऐसा है कि एक बच्चा रात्रि में डेली उसके राज्य में घुमा करता है, ऐसा कुछ खेल में रात्रि में डेली वो राज्य में घुमा करता है तो अचानक से राजा का जो है वो नींद खुल जाता है, ऐसा खेल खेल रहे नाटक है, नींद खुलता है तो वो मंत्री को बुला करके ये राजा कहता है जो चरवाहा है कि मंत्री उस बालक को मेरे सामने हाजिर किया जाए जिस बालक ने मेरे नींद में खलल डालने की धृष्टता की है, यानी जिसने हमारे नींद को खुलवाया है उसको पकड़ के हमारे सामने पेश किया जाए। जब उस बालक को पकड़ करके मंत्री लाता है, ये खेल में हो रहा है सारा चीज, मंत्री लाता है तो ये चारवाहा जो राजा का भूमिका में है वो पूछता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि हमारे राज्य में तुम इस तरीके से एक राजा के नींद में खलल डालो। तो वो लड़का जवाब देता है कि महाराज मैं आपके राज्य में घूम घूम करके ये देखना चाहता था कि कहीं कोई व्यक्ति आपके राज्य में दुखी तो नहीं है, अगर वो दुखी होता तो उसके दुख से मैं अवगत कराता आपको और आप उसके समस्या का समाधान करवाते और आप एक बेहतर राजा के रूप में समाज में स्थापित होते और आपके नाम का जय 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 होता। उस बालक का जब प्रत्युत्तर को यह सुनता है राजा चारवाहा तो यह कहता है मंत्रियों गुप्तचरों धिक्कार है तुम लोगों पर, जो कार्य तुम्हें करना चाहिए वो कार्य ये बालक कर रहा है, ये प्रजा कर रहा है, इसलिए मेरा निर्णय है कि आज से इस बालक को मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए या गुप्तचर के पद पर नियुक्त किया जाए। ये जो फैसला देता है चारवाहा और ये जो चाणक्य यहां से गुस्से में जा रहे थे वो एक पेड़ के पीछे छुप करके सारी कथा को देख रहे थे। चाणक्य को लगता है कि ये बच्चा गलती से लगता है कि चारवाहे के घर में पैदा हो गया, इसके अंदर तो एक राजा की क्वालिटी है, इसको तो राजा होना चाहिए, इसलिए चाणक्य ये सोच करके पेड़ के पीछे से निकल करके इस बालक के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इस बालक को ऐसा कहा जाता है कि इस बालक के योग्यता को देख करके वो जो इसका शिकारी जो इसको खरीद करके रखा था क्योंकि माता पिता के तो स्वर्गवास हो चुके थे तो उस शिकारी के पास जा करके कुछ अपना मुद्रा दे करके इस बालक को खरीद लेते हैं और खरीद करके इस बालक को लेकर के चले जाते हैं तक्षशिला और तक्षशिला में सारा शिक्षा नहीं शिक्षा दीक्षा समझ रहे सब कुछ यहां पर दिया जाता है, युद्ध नीति राजनीति सब कुछ सिखाया जाता है और सिखा करके इस बालक को विद्वान बनाया जाता है और ये बालक हर तरह से परिपूर्ण बालक बन जाता है और बालक को कहा जाता है कि एक दिन यही बालक सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहा था। गुरु चाणक्य ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, कहा कि हे गुरुवर आपने जिस तरीके से मुझे बनाया है जिस तरीके से मेरा निर्माण किया है मैं अब अपने अतीत को भूल करके एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चरणों से ही हमारी पहचान की शुरुआत हो। चाणक्य उस दिन कहते हैं कि मेरा गोत्र कौटिल्य है, दुनिया मुझे जानता चाणक्य के नाम से है लेकिन वास्तविक नाम मेरा है विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो है देखो लास्ट में गुप्त लगा हुआ है, ये कहते हैं कि मैं मेरा वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, हे बालक आज से तुम चंद्रगुप्त और इसको पुत्र के रूप में मान करके और इसको चंद्रगुप्त के रूप में समाज में इसको स्थापित करते हैं। जब ये बालक का नामकरण करते हैं ये अपने साथ जोड़ करके इस बालक को इतना विद्वान बनाने के बाद जब चाणक्य के द्वारा एक नाम भी दिया जाता है क्योंकि गुरु पिता के समान ही होता है एक पुत्र के भांति इसको इन्होंने स्वीकार किया नाम। ये कहता है कि हे गुरुवर आज अगर आप हमसे गुरुदक्षिणा में मेरा सर भी मांगे तो मैं कलम करके आपके चरणों में अर्पित कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप हमसे गुरुदक्षिणा मांगे। तो यही चाणक्य कहते हैं कि हमें धनानंद का छुपा हुआ सर चाहिए, यही चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर आक्रमण करता है और धनानंद
इकट्ठा करके और चाणक्य के चरणों में फेंकता है। चाणक्य कहते हैं कि देख रघुनंदन, देख मैंने अपना शिखा खोला था और आज मैं अपना शिखा बांधता हूं। मैंने कहा था ना कि जब तक तुम्हें धूल में नहीं मिला दूंगा तब तक मैं अपना शिखा नहीं बांधूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों बालक के भांति खेलता है। देख मेरा निर्माण चंद्रगुप्त तुम्हारे सामने खड़ा है और देख तेरा विनाश मेरे कदमों के नीचे लेटा है। तो कुल इस स्टोरी से यह मैं समझना चाह रहा हूं कि एक चारवाहा का बच्चा एक राजा का सफर तय कर लेता है। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में चाणक्य ने क्या देखा कि तय कर लिया कि इसके अंदर में राजा, इसको राजा होना चाहिए। उस बच्चे के अंदर जन्मजात वह गुण था, ईश्वर की कृपा कुछ जन्मजात उसके अंदर वो बीज डाल दी गई थी जो धीरे धीरे उभार ले रहा था। वो बीज अपना अपने आप को धीरे धीरे पौधा का रूप अंदर अंदर दे रहा था। चाणक्य ने बस उसको सींच दिया, उसको वातावरण दे दिया, वो बीज जो है पौधा बन गया। हर बच्चे के अंदर एक जन्मजात गुण होता है कुछ बनने का, कुछ बड़ा करने का, उसी गुण को एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य ने क्या देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में, तो क्या देखा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अभिक्षमता देखा था, एप्टीट्यूड देखा था कि इसके अंदर राजा बनने का गुण है, इसके अंदर वो बात है जिसका तलाश में हम हैं। ये जन्मजात गुण, समझ रहे हैं? तो जब जो गुण जन्मजात गुण को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, मतलब अभिक्षमता कहते हैं, और इसी को सींच दिया जाए, इसी एप्टीट्यूड को सींच दिया जाए, इसी में पानी डाल दिया जाए, इसी पे मेहनत किया जाए, इसी का निर्माण किया जाए, मतलब इसी एप्टीट्यूड को प्रशिक्षित कर दिया जाए। प्रशिक्षित समझते हैं, मतलब इसको प्रशिक्षण दे दिया जाए, मतलब ट्रेनिंग कर दिया जाए। यानी एप्टीट्यूड को ही जब ट्रेनिंग मिलता है तो यही बनता है सक्सेस, यही होता है सफलता। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे एक ही साल में आईएएस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं एक साल में? क्योंकि उनके अंदर में वो बात थी, उसी को ट्रेनिंग मिल गया, जल्दी से वो सक्सेस हो गया। कुछ बच्चों को समय लगता है। कहने का हमारा भाव है कि सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि हर बच्चे के अंदर में ईश्वर ने एक गुण डाल के रखा है, उसी गुण को हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड करते हैं, जिसमें एक नाम चाणक्य का, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का समझ में आ गया कि इसके अंदर में भी राजा बनने का गुण बचपन से था। समकालीन आपके टाइम में लता मंगेशकर हुआ करते थे क्या? डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करवा के उनका गला चेंज करवाया गया कि उनकी मधुर आवाज, कोयल सी आवाज बचपन से थी, बस राग और सुर सिखा दिया गया, स्वर कोकिला बन गई। तो लता मंगेशकर के अंदर में भी वो बात जन्मजात था नहीं, उसी को ट्रेनिंग कराने के बाद विश्व विख्यात नहीं सिंगर बन गए। सचिन तेंदुलकर के अंदर जन्मजात वो गुण था कि खेलने के लिए, अगर उनको पढ़ाई में आईएएस की तैयारी करने के लिए लगा दिया जाता तो शायद वो सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाते जो सफलता वो खेल में प्राप्त कर लिए, क्योंकि उनके अंदर वो ही एप्टीट्यूड था। तो सचिन, ये सब जो गुण वाले लोग हैं वो कैसे हैं? ये सब गुण वाले हैं जिनके अंदर में ईश्वर ने क्या किया था, एक गुण डाला था। गुण तो सभी में होता है, आप में भी है, बस इनके गुण को पहचान कर लिया और पहचान करके उसी को ट्रेंड कर लिया। आपके अंदर में भी है एप्टीट्यूड, पहचानने वाला चाणक्य चाहिए, समझ रहे हैं? जिस दिन पहचान लिया जाएगा उसी को ट्रेनिंग करके सक्सेस दिला दिया जाएगा, लेकिन पहचानने वाला उतना अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो आपको रीड कर सके, आपको पहचान सके, समझ रहे हैं? दूसरी बात, सबसे पहला बात तो ये क्या है, जन्मजात, ये कैसा गुण है, जन्मजात। एक एग्जांपल और दूंगा और तब जाके कंप्लीट परिभाषा बनेगा। एक विद्यार्थी हुआ करता था जिसका नाम था वरदराज। हम लोग क्लास 3 में पढ़े थे वरदराज की कहानी, आप लोगों ने शायद आपके सिलेबस से निकाल दिया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वरदराज नाम का एक कहानी हम लोग के टाइम में हुआ करता था। उस समय क्या था कि गुरुकुल की भूमिका हुआ करते थे, तो वरदराज गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था और ये पढ़ाई में काफी कमजोर था, इसलिए बार बार परीक्षा में फेल हो जाता था, गुरुजी को बार बार नाराज कर देता था। तो गुरुजी एक दिन गुस्सा होकर के इसको बहुत पिटाई किए और इसको विद्यालय से निकाल दिए। ये विद्यार्थी जैसे जैसे अपने घर के तरफ जा रहा था वैसे वैसे इसको लग रहा था कि मैं अपने पिताजी को जवाब क्या दूंगा, अपने माताजी को क्या जवाब दूंगा कि गुरुकुल से मैं निकाल दिया गया हूं। ये इतना सोच में डूबा हुआ था कि इसका मुंह भी सूख रहा था, इसकी मुख सूख रही थी, इसको प्यास की अनुभूति हुआ। रास्ते में दूर से कुआं दिखा, कुआं के पास गया, कुआं के अंदर में बाल्टी डाल के
और रस्सी से पानी खींच करके पानी बुझा, अपनी आत्मा को तृप्ति किया। उसी बीच उसका जो ध्यान है वो कुआं के वो बाउंड्री पे जाता है, वहां दिखता है कि कुआं का बाउंड्री जो है वो रस्सी से बार बार घिस गया है, यानी रस्सी बार बार उसमें जाने की वजह से पत्थर जो है, जो कुआं जिससे घेरा गया है वो पत्थर पे निशान पड़ गया है। ये सोचता है कि पत्थर तो कठोर होता है, रस्सी नरम होता है, तो रस्सी को घिसना चाहिए, पत्थर को कैसे घिस गया। इसी पर ये विचार करते हैं वरदराज, और वरदराज को लगता है कि नरम है फिर भी ये पत्थर को घिस दिया, क्योंकि ये बार बार उसी रास्ते से आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब निरंतर वो अभ्यास करता है। अभ्यास कर करके पत्थर को उसने क्या किया, रगड़ रहा। इसी पर आया है कि करत करत अभ्यास से रस क्या है, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो हम मेहनत करें तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रसंग के साथ आपका वरदराज लौटता है और गुरुजी से एक मौका मांगता है। गुरुजी उसकी आंखों में देखते हैं, आंखों से उसके चेहरा का भाव समझ में आता है कि लगता है कि इसमें परिवर्तन आया है, और वो इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि आगे जाकर के वही वरदराज संस्कृत में एक महान विद्वान के रूप में समाज में स्थापित हुआ। कहने का भाव कि उस व्यक्ति के अंदर में ईश्वर ने अपनी टूट नहीं डाला था, फेल हो जा रहा था, लेकिन वो इतना अभ्यास किया कि उसके अंदर उस एप्टीट्यूड का सूत्रपात हो गया, उस एप्टीट्यूड का उसके अंदर स्थापना हो गया। तो एप्टीट्यूड कई बार जन्मजात भी होता है, और एप्टीट्यूड कई बार अभ्यास से भी लाया जाता है। तो अभ्यास से या जन्मजात जो आपके अंदर में जो बीज बोई जाती है, नहीं, उस बीज को ही एप्टीट्यूड कहा जाता है। और इसी एप्टीट्यूड के उपयोगिता से, यानी इसी एप्टीट्यूड को जब ट्रेन किया जाए, जब एक बेहतरीन चाणक्य जैसा व्यक्ति आपको मिल जाए, तो सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो जाता है, और जीवन में आप कभी फेल होने का